नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं आज के वृश्चिक राशि फल के बारे में कि आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी और साथ ही किसी नवीन कार्य से संबंधित योजना साकार होगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा और कामकाजी हालात बेहतर होंगे, मजबूती आएगी। आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें आज दूर होंगी और तरक्की मिलने से आपका मन काफी प्रसन्न भी रहेगा। आज मेहनत, प्रयत्न और प्रयास से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भौतिक सुख में वृद्धि होने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा और अपना घर बनाने का सपना भी पूरा होने की उम्मीद है। अतः आज आप व्यापारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के क्षेत्र में आप अधिक सक्रिय रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय प्रेरणादायक रहेगा। अनुसंधान के कार्यों में सफलता मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की योजना होने की संभावना है। यात्राएं लाभदायक रहेंगी। जी दोस्तों, परंतु किसी एक यात्रा से बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। विदेश भ्रमण प्रयासों से सफल होगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। यदि आज आप सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ मिलेगा और अच्छे स्वास्थ्य का भी आप आनंद ले पाएंगे। प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और बुधवार आपके लिए शुभ रहेंगे और कारोबार योग की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक हालात पहले से बेहतर रहेंगे और धन की जरूरत पड़ने पर धन उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, आय के नए स्रोत खुलेंगे। पत्नी के भाग्य से गृह सुख एवं संतान सुख प्राप्त होगा। साथ ही नया वाहन भी आ सकता है। प्रेम प्रसंगों को लेकर सतर्क रहें, इससे दाम्पत्य जीवन पर कुप्रभाव पड़ सकता है। अगर सावधान रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। जीवन में खुशी आएंगी। माता पिता का आज आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों।